नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। विपक्षी एकता के बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने कही ये बात। अशोक चौधरी ने बीजेपी पर दोहरे चरित्र का लगाया आरोप। अपनी चुनावी जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कही ये बात। पीएम के रेवड़ी संस्कृति वाले बयान पर राहुल गांधी ने ऐसे दिया जवाब। जंगल राज के आरोप पर तेजस्वी ने कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश के घर में आयोजित हो रही कुशवाहा की राजनीतिक शिविर। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से अलग होते ही उन्होंने खुद की पार्टी खड़ी कर ली। नीतीश से अलग होने के बाद वे लगातार नीतीश पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का नीतीश कुमार के गढ़ में ही 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि आयोजन राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। यह आयोजन 28 से शुरू किया जा चुका है और 30 अप्रैल तक चलेगा। होने वाले इस राजनीतिक शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। बता दें कि इस राजनीतिक शिविर में राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा के साथ ही आने वाले समय में बिहार के राजनीतिक दशा व दिशा के निर्धारण पर भी चर्चा होगी। पीएम के रेवड़ी संस्कृति वाले बयान पर राहुल गांधी ने ऐसे दिया जवाब। कांग्रेस के चुनावी गारंटी को नरेंद्र मोदी द्वारा रेवड़ी संस्कृति के रूप में आलोचना किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। दरअसल तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनाव में कांग्रेस की चुनावी गारंटी को रेवड़ी संस्कृति के रूप में आलोचना की जाती है। भाजपा के लिए मुश्किल होगा क्योंकि पार्टी तो 40% कमीशन में भरोसा रखती है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम कहते हैं कि कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी को लागू नहीं किया जाएगा। दरअसल उन्होंने जो कहा वह सही है। भाजपा के लिए ऐसा काम करना असंभव है जो 40% कमीशन हैं और वे इस तरह की गारंटी को लागू नहीं कर सकते हैं। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, आपको तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी। एक बात याद रखें, पिछली बार आपने सरकार चुनी थी लेकिन बीजेपी ने विधायक खरीदकर अपनी सरकार चुरा ली। उन्होंने न केवल सरकार की चोरी की बल्कि उसके बाद हर काम पर 40% कमीशन लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की ली चुटकी। बिहार में आनंद मोहन के रिहाई को लेकर लगातार राजनीतिक तापमान चढ़ता जा रहा है और नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस मामले में नीतीश के गढ़ में उपेंद्र कुशवाहा द्वारा आयोजित राजनीतिक शिविर में कुशवाहा ने चुटकी ली है। दरअसल आयोजित राजनीतिक शिविर के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम पर नीतीश जी कॉमेंट करते हैं कि जब मन होता है आते हैं, जब मन होता है चले जाते हैं, मगर हम बदलते हैं संघर्ष के लिए। मगर नीतीश जी जब भी बदलते हैं सत्ता के लिए, सत्ता के लिए उन्होंने जिसके विरोध में चुनाव लड़ा था, कुर्सी की लालच में हमेशा बदलते रहते हैं। हम जब भी बदलते हैं सदन से सड़क की ओर संघर्ष के लिए बदलते हैं। साथ ही नीतीश के पलटी मारने वाले बात पर कुशवाहा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बड़ा भाई करे तो रासलीला, छोटा भाई करे तो करेक्टर ढीला। केंद्र सरकार पर सत्यपाल मलिक के लगाए गए आरोप पर ओवैसी ने साधा निशाना। केंद्र सरकार पर सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा आतंकी हमले को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर उन्होंने सरकार को जिम्मेदार बताया था। साथ ही कहा था कि इस मामले में मलिक को चुप बैठने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था। अब इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सत्यपाल मलिक पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मलिक पर ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मैं सत्यपाल मलिक से पूछना चाहता हूं कि भारत से उनकी ये कौन सी मोहब्बत है। गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों के खून से होली खेले, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कह दी ये बात। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी इन दिनों अपने किसी कार्यक्रम को लेकर सीतामढ़ी आए हुए हैं। अपने एक कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडों का राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है तो यहाँ उन्हें जेल से बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब जानती है, अब उनका कोई वजूद नहीं रह गया है। नीतीश कुमार को पहले भी पीएम बनने का कीड़ा काटा था, तब 2 सीट पर ही सिमट कर रह गए थे, अब फिर से कीड़ा काट रहा है तो 2024 में 0 पर आउट हो जाएंगे। बिना दुल्हा के बराती घूम रहे हैं, कुछ लोग बिचौलियों का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो पार्टी की व्यवस्था से लड़े। पहले भी कहा था कि आज भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। यौन उत्पीड़न के आरोप पर ब्रजभूषण सरन सिंह ने कही ये बात। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के लिए सोना लाने वाली पहलवान बेटियां धरने पर बैठी हैं। दरअसल उनके द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ लगाए गए हैं। अब इस धरने के परिणाम दिखने लगे हैं क्योंकि बीते ही दिन दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न मामले को लेकर ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए हैं जिसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। अब इस मामले को लेकर ब्रजभूषण सरन सिंह का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वह दिल्ली पुलिस की जांच पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहलवानों के इस्तीफे की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस्तीफे से ये खिलाड़ी धरना समाप्त करते हैं, घर जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए खिलाड़ियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2012 से 2023 तक इनके साथ गलत होता रहा लेकिन इसकी शिकायत न तो खेल मंत्रालय से की, न पुलिस स्टेशन में की, न भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन में की। अचानक जनवरी महीने में खिलाड़ी सीधे शिकायत लेकर जंतर मंतर पहुंचे।
अशोक चौधरी ने बीजेपी पर दोहरे चरित्र का लगाया आरोप। भाजपा नेताओं पर अपनी सुविधा के अनुसार आनंद मोहन सिंह के रिहाई को लेकर अपना रुख बदलने का आरोप जदयू नेता अशोक चौधरी द्वारा लगाया गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए बयान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया जा सकता है तो आनंद मोहन को क्यों नहीं। जब राज्य सरकार ने आनंद मोहन को रिहा किया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का फैसला सही नहीं है और यह दलित विरोधी फैसला है। इस घटना ने असल में बीजेपी के दोहरे चरित्र को दिखाया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आनंद मोहन के स्थान पर अगर कोई और कैदी जेल से रिहा होता तो उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। आनंद मोहन बड़े नेता हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी भी है, उनकी पत्नी सांसद थी, उनका बेटा विधायक है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर हो हल्ला कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बयान पर अजीत पवार ने जताई नाराजगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार द्वारा नाराजगी जताई गई है। दरअसल खड़गे ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से कर दी थी। अब उनके इस बयान पर अजीत पवार द्वारा कहा गया है कि आज नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, इससे पहले मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी थे। देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देना सही नहीं है। हालांकि विवाद बढ़ता देख उन्होंने इस पर सफाई भी दी और कहा कि उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के लिए था। सासाराम हिंसा मामले में बीजेपी नेता हुए गिरफ्तार। रामनवमी के दिन बिहार के सासाराम में हिंसा का मामला सामने आया था। अब इस मामले में एक और अपडेट सामने आई है। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता जवाहर प्रसाद को इस मामले में रोहतास पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस गिरफ्तारी को लेकर रोहतास के SP द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भाजपा नेता के घर देर रात तक पुलिस की टीम पहुंची थी, उसके बाद नेता की गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसी खबर सामने आई है कि यह कार्रवाई पूर्व विधायक के लश्करीगंज आवास पर की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले के अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राहुल गांधी कांग्रेस सह पर विवादित टिप्पणी मामले में मिली राहत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह पर विवादित टिप्पणी दिया गया था। अब इस मामले पर राहुल गांधी की झारखंड हाईकोर्ट में पेशी होनी थी। इस मामले पर पेशी को लेकर स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के तरफ से जारी नोटिस पर लगी रोक शुक्रवार को बढ़ा दी गई। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची में मजिस्ट्रेट अदालत के तरफ से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंबुजनाथ ने निर्देश दिया कि इस संबंध में अदालत के अगले आदेश तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को रांची में मजिस्ट्रेट कोर्ट में रोक लगा दी थी। वहीं रांची के मजिस्ट्रेट के सामने बीजेपी नेता नवीन झा द्वारा दायर मामले में पेश होने के आदेश राहुल गांधी को दिए गए थे। विपक्षी एकता के बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने कही ये बात। भामाशाह जयंती के अवसर पर पहुंचे नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर कहा कि सभी लोगों से बातचीत हो चुकी है, कुछ लोगों से बात होनी है और सभी को एक जगह बैठना है। बहुत लोग पटना में बैठक करने की इच्छा जाहिर किए हुए हैं, लेकिन और कुछ लोगों से बात होती है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि सभी पार्टियों की बैठक कहाँ होगी। अभी चुनाव है, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद तय किया जाएगा कि कहां बैठक होगी। वहीं रामनवमी हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए बीजेपी नेता को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग दोषी होंगे वो किसी भी दल के नेता हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अपने चुनावी जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां द्वारा जोरदार तैयारी की जा रही है। जहां राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त चल रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव के मद्देनजर जनसभाएं कर रहे हैं। अपने जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा को ट्रिपल इंजन की सरकार बताते हुए विपक्षियों पर भी खूब निशाना साधा। दरअसल अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कभी इसी सीतापुर के नैमिषारण्य की भूमि से महर्षि दधीची ने दैवीय शक्तियों की विजय के लिए अपनी अस्थियां व्रज बनाने के लिए दी थी। यह समय भी इस चुनाव में दानव रूपी भ्रष्टाचारी चारियों माफियाओं और अपराधियों को सबक सिखाने का है। साथ ही अपने दूसरे चुनाव सभा के दौरान उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बेड़ा गर्क कर रखा था। इसी जातिवाद राजनीति ने माफिया पैदा किए, युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। जनता ने जातिवाद की राजनीति करने वाले को नकारा तो आज माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं, जो पहले सीना तान चलते थे। जंगल राज के आरोप पर तेजस्वी ने कही ये बात। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जंगल राज वाले आरोप को लेकर कहा कि जंगल राज के आरोप ने नौकरशाही की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट की आशंकाओं को दूर करना उनका कर्तव्य है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की छवि बनाने में नौकरशाहों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सरकार के सुचारू कामकाज के पीछे नौकरशाही असली ताकत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्थायी नहीं है, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम सरकार का हिस्सा होंगे, लेकिन आप लोग हमेशा के लिए रहेंगे। सरकार द्वारा ब्रजभूषण को बचाने का प्रियंका गांधी ने लगाया आरोप।
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों से शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुलाकात के लिए पहुंची। मुलाकात के दौरान पहलवानों से बातचीत कर प्रियंका ने उनके प्रति समर्थन जताया। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात करते और बुलाते। मेडल लाने के वक्त तो इन्हें बुलाया था, अब भी बुलाएं और बात करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे पीएम से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें इन पहलवानों की चिंता है तो उन्होंने उनसे बात क्यों नहीं की या उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। जिन लड़कियों ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया उनसे बात नहीं कर रहे, इन बच्चियों को बचाने के बजाय बृजभूषण को बचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस सांसद को AIMIM में आने को मिला न्योता। अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सफिकुर रहमान बर्क इन दिनों पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि वे किसी और दल के शामिल हो सकते हैं। अब इस कड़ी में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा न्योता भी दिया जा रहा। दरअसल AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने बर्क को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। साथ ही कहा है कि उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि सपा में एक राजा होता है, बाकी आप कितने बुजुर्ग हो इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए बर्क साहब को कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। फिलहाल आज के राजनीतिक से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, सुरेश ओडम, रविंद्र कुमार और श्वेता रॉय। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई बार राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी वादों से मुकर जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।